सब्सक्राइब कीजिए किरण्स किचन को बिल्कुल फ्री में और घंटी का बटन दबाइए मेरे आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने बनाने जा रही हूँ जलेबी का रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। तो इसका सामग्री आप एक बार देख लीजिए हमने इसके लिए जो जो लिया है। चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले स्टेप में हम बनाएंगे इसका चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हमने 1.5 कप चीनी लिया है, 3/4 कप पानी ले और इसे अच्छे से मिला करके 6 से 7 मिनट तक बॉईल करना है इसे। जैसे इसमें बॉईल आ जाए, हमने केसर का पानी रेडी किया हुआ है, आप इसमें मिला दें। इसको मिलाने के बाद हमें फिर से इसे 6 से 7 मिनट तक पकाना है। छः से सात मिनट के बाद आप क्या करें, गैस बंद कर दें और इसे साइड में करके रख दें। दूसरे स्टेप में हम जलेबी का बैटर रेडी करेंगे, जलेबी का घोल रेडी करेंगे। उसके लिए हमने 3/4 कप मैदा लिया है, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है और इसे अच्छे से छन्नी में छान लें। रेडी हो चुका है तो इसके क्या करें, एक बॉटल ले, उस तरह से इसमें फिल करें। केचप का बॉटल आता है उसमें आप डालें। अगर केचप का बॉटल नहीं है तो आप किसी तरह का कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूज़। हमारा पक चुका है तो इसे हम निकाल लें एक प्लेट में। ये देखिए, इसी तरह हम सारे बनाएंगे। अब चलते हैं, हमारा सारा रेडी हो चुका है तो इसमें हम चाशनी में इसे डाल देते हैं कुछ देर के लिए, लगभग 10 से 12 मिनट के लिए इसे डाल दें। डाल के इसे छोड़ दें ताकि इसके अंदर चाशनी अच्छे से चला जाए। ये देखिए, 10 मिनट बाद हमारा जलेबी बिल्कुल बन के रेडी है। बिल्कुल फ्री है और घंटी का बटन दबाइए मेरे आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ।